ताजा स्थिति हम आपको बता रहे थे अयोध्या में किस तरह से तैयारियां अपने अंतिम चरण में, और कुछ देर बाद दीप प्रज्वलन की कवायद है उसकी शुरुआत हो जाएगी। बहरहाल रामनगरी अयोध्या में आज भव्य दीपोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। राम की पैड़ी पर एक ऐसा घाट है जिस पर अकेले 1.5 लाख दिए जलेंगे। सरयू के घाट नंबर 10 का हाल बता रहे हैं न्यूज इंडिया के हमारे वरिष्ठ सहयोगी विवेक तिवारी। देखिए, रिकॉर्ड आज बनने जा रहा है उसमें से एक रिकॉर्ड इनमें से भी खास होगा। ये जो घाट नंबर 10 है यहाँ पर एक विशेष प्रकार की रंगोली बनाई गई है और अकेले इस घाट पर यानी कि घाट नंबर 10 उसमें 1,50,000 दीपक लगाए गए हैं और ये खास तरह की रंगोली या खास तरह की आकृति यहाँ पर बनाई गई है। तो इस घाट का एक अलग महत्व है। जब ये सारे दीपक जलेंगे तो इस घाट की इस आकृति की जो आभा होगी वो देखने वाली होगी। और जिन लोगों ने इस दीपक को यहाँ पर सजाया है उनमें से एक निवान पांडे हमारे साथ हैं। नया बच्चा है बेटा, बताओ क्या कितने टाइम लगा इसमें और कितने लोग लगे? जी 3 दिन लगे थे इस घाट को पूरा सजाने में, दिया रखने में, पेंट करने में और दिया का डिज़ाइन बनाने में कि किस किस डिज़ाइन में यहाँ पे रखी जाएगी। और करीब इसको सजाने में मोर देन 200 वॉलंटियर्स की ड्यूटी थी जो कि अकेले घाट नंबर 10 की थी। वरना वैसे तो यहाँ पे तमाम सारे घाट हैं जिन बहुत सारे लोगों की मेहनत है, लेकिन घाट नंबर 10 की ये विशेषता है कि यहाँ ये ठीक सामने है जहाँ पे VVIP लोग आएंगे, तो इसलिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा दिए भी रखे गए। निमान, पिछली बार हमने देखा था तो जो आकृति वो शायद स्वास्तिक की बनी थी, इस बार कुछ चेंज कर दिया है क्या? जी इस बार हम लोग को दिया, क्योंकि टारगेट हम लोग का ज़्यादा था तो हम लोग ने सोचा कि कोई ऐसा डिज़ाइन बनाया जाए जिससे दिया की संख्या बढ़ जाए। तो हम लोग ने एक बीच में दिया और उसके अगल बगल एक रंगोली का डिज़ाइन दिया गया है जिससे कि दियों की संख्या बढ़ गई है और एक अच्छी कलाकृति यहाँ पे दिखाई गई है। जो गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड की टीम है उसने गिन लिया है कि कितने दीपक हैं यहाँ पर। आप तो 1.5 लाख बता रहे हैं लेकिन काउंटिंग परफेक्ट है? जी काउंटिंग के लिए कल ड्रोन से भी काउंटिंग हुई थी और कल बहुत सारे वॉलंटियर्स भी आए थे। कल मेरे सामने ही कल शाम के टाइम 6 बजे के बाद सब लोग को घाट से निकाल दिया गया था क्विक रिस्पांस टीम के द्वारा कि वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो गिनने वाले लोग हैं वहीं पे मौजूद रहें। और लेकिन ये तभी सफल होगा जब एक दिया कम से कम 5 मिनट के लिए जलेगा तब उस दिया को माना जाएगा, तभी वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में वो दर्ज होगा। थैंक यू निमान, थैंक यू वेरी मच। तो जैसा निवान बता रहा था कि 1,50,000 दिए, मिनिमम 5 मिनट उनको जलना होगा तभी उसका कोई रिकॉर्ड दर्ज किया जा सकता है। तो इसलिए दीपक का जो साइज है, उसकी जो गहराई है, उसमें कितना तेल आएगा, ये सारी चीज़ें बहुत साइंटिफिकली कैलकुलेट करी गई हैं और तब जाकर के रिकॉर्ड बनेगा। ये आकृति इस बार बदली गई है इस घाट पर, उसकी वजह ये है कि इस बार नया रिकॉर्ड बनना था। जाहिर बात है कि 25 लाख दिए अगर पिछली बार से 2-3 लाख दिए अधिक लगाने हैं, सजाने हैं, जलाने हैं, तो उसके लिए कुछ आकृतियों में चेंज करना पड़ेगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दीपक लगाए जा सके। ये इसकी कहानी है। आज शाम को जब अगर आप